नमस्कार, मैं पंकज दुबे और आप देख रहे हैं सागर टाइम्स न्यूज। सागर संभाग से पूरे बुंदेलखंड सहित देश विदेश की ताजा तरीन खबरें और उनके पीछे का सच पूरी सटीकता एवं निरंतरता के साथ देखने के लिए इस चैनल को अधिक से अधिक लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर करें। आइए देखते हैं ब्रेकिंग न्यूज। 18 मार्च 2021 को बीएमसी वायरोलॉजी लैब एंटीजन टेस्टिंग की रिपोर्ट और अन्य लैबों से जो रिपोर्ट प्राप्त हुई है, इसमें सागर से 30 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई है। इसके अलावा 12 व्यक्ति जिनका इलाज चल रहा था स्वस्थ होकर डिस्चार्ज कर दिए गए। जो पॉजिटिव आए हैं उसमें पहले जो हैं 69 वर्षीय पुरुष खुरई से, इसके अलावा 32 वर्षीय महिला मकरूनिया से, 61 वर्षीय पुरुष एवं 25 वर्षीय पुरुष रहली से, 68 वर्षीय महिला स्टेट बैंक कॉलोनी गोपालगंज, 50 वर्षीय पुरुष मोतीनगर, 62 वर्षीय पुरुष बंडा, 23 वर्षीय पुरुष तिरुपतिपुरम, 48 वर्षीय पुरुष परकोटा, 28 वर्षीय महिला एवं 36 वर्षीय पुरुष सिविल लाइन, 20 वर्षीय पुरुष पोद्दार कॉलोनी, 52 वर्षीय पुरुष मकरूनिया, 55 वर्षीय पुरुष गणेश चबूतरा वार्ड, इसके अलावा 26 वर्षीय पुरुष गढ़ाकोटा, 69 वर्षीय पुरुष मकरूनिया, 54 वर्षीय महिला सिविल लाइन, 59 वर्षीय पुरुष राहतगढ़, 44 वर्षीय पुरुष मोतीनगर, 54 वर्षीय महिला गोपालगंज, 40 वर्षीय पुरुष गोपालगंज, 33 वर्षीय महिला कोतवाली, 20 वर्षीय महिला मोतीनगर, 36 वर्षीय महिला मोतीनगर, 27 वर्षीय पुरुष वर्णी कॉलोनी, 23 वर्षीय पुरुष मकरूनिया, 23 वर्षीय महिला बीना, 23 वर्षीय महिला सुर्खी, 50 वर्षीय महिला और 12 वर्षीय बालिका सुर्खी से। तो आज का यही अपडेट है। सावधानी में ही समझदारी है और सावधानी बनाएंगे तो सुरक्षित रहेंगे, यही मेरा संदेश है।